कैलाश विजयवर्गीय जी के मैं बयान थोड़े दिनों से पढ़ रहा, थोड़े भटके हुए लग नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए। सर, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पहले सेना को कार्य करने की आज़ादी नहीं थी और अब जो है उनके कार्यकाल में सेना को आज़ादी मिल गई, क्या है? इतना ही कह सकता हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। सवाल या निशान उठ रहे हैं किस बात की? जिस तरह की कार्रवाई है मुझे नहीं, मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा, सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। सर, मुझे जानकारी किसी का हो, इसमें देखिए अश्लीलता करने वाले व्यक्ति किसी का हो, किसी पद पर हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो एयर स्ट्राइक का मुद्दा हुआ है लोकसभा में, कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि बुनाया नजर आएगा बनाने में, कहीं ना कहीं झूठे ऐसा है। अभी जो हमारे माननीय विंग कमांडर साहब वापस लौटे हैं, उनकी पत्नी का एक बयान सोशल मीडिया पे आया है, वो अपने आप इस बात का उल्लेख करता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या किस तरह से आपकी भूमिका नजर आएगी लोगों को? जो पहले थी सो आज है और वही कल रहेगी। बार बार नाम चला है भोपाल से या इंदौर से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने 1977 में पहली बार टिकट मांगा था, लोकसभा का नहीं मिला। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। पार्टी अगर समझती लड़ा ना तो लड़ूंगा, जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। कांग्रेस ने जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था उस पर आपके कई चैनल पे डिबेट हो गई भाजपा और कांग्रेस के मामले को लेकर। महिला क्या सामने महिला भी हो सकते, भाभी जी का भी हो सकता है। ऐसा देखिए, मेरी पत्नी राजनीति में नहीं है, मेरी पत्नी आपकी बिरादरी की है, उसे अपनी बिरादरी से क्यों निकालना चाहते हो? ना, आपकी बिरादरी से अलग हो जाएगी। सर, लेकिन आपका एनालिसिस क्या होता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा में कितनी सीटों का आपको लगता है आपका? जब तक उम्मीदवार तय नहीं होते तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन अभी हमारे तीन हैं, उनसे तो निश्चित तौर पर काफी बढ़ेंगे। सर, इंदौर में क्या महिला को स्थान दे सकती है क्या कांग्रेस? ये तो भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है। सर, लेकिन ताई बोलती है कि कांग्रेस में योग्य व्यक्ति नहीं जिसको मैं शहर की चाबी सौंपूं। ये ताई की नज़रों में हो सकता है, क्योंकि ताई की नज़र में कैलाश विजयवर्गीय भी कोई बड़ा स्थान नहीं रखते हैं। थैंक यू।